भाजपा एनडीए सरकार पूरी ताकत से काम करेगी और ये मोदी की आपको गारंटी है। साथियों, आजकल अफवाहें फैलाना इसका एक बड़ा उद्योग चल पड़ा है। कुछ लोग भांति भांति की दुकानें खोल करके बैठे हैं, वो अफवाह फैलाने का माल बेच रहे हैं। आपको ऐसी किसी भी अफवाह में नहीं आना है। मुझे याद है जब मैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की थी 2018 में, तो ये जेएमएम वालों ने यहां के गांव गांव जाके किसानों से झूठ बोला। और क्या बोला उन्होंने, कहा देखिए ये मोदी अभी पैसा भेज रहा है ना, वो खाते में मत डलवा देना, इससे मत जुड़ना, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद मोदी ये पैसा ब्याज समेत तुमसे वापस ले लेगा, ऐसा झूठ चलाया। और मेरे भले भाले गांव के किसान भाइयों ने मोदी जो पैसा भेजता था लेना मना कर दिया, बोले हम नहीं चाहिए, हमको वो पैसा देना पड़ेगा। जब दोबारा 19 में आपने मुझे सेवा का मौका दिया, तब जाकर के सच का पता चला कि जेएमएम वाले कितना झूठ बोलते थे। इस बार भी रोज नए नए झूठ फैलाने का काम, एक परिवार दिल्ली में ये धंधा करता है, दूसरा इधर झारखंड में करता है। मुझे खुशी है कि आज पीएम किसान सम्मान निधि के 600 करोड़ रुपए, कितने ये आंकड़े इतने बड़े हैं ना, याद रखोगे तो सामने वाले की आंखें खुल जाएगी। कितने ये 600 करोड़ का क्या किया बताऊं, बताऊं क्या किया? आपको सुनकर के आपको भी आश्चर्य होगा, अकेले अपने गढ़वा जिले के जो किसान है, जिनको हर महीने हर साल जो मैं 2-2 हजार करके 3 बार 6 हजार रुपए भेजता हूं ना, अकेले गढ़वा जिले में हमारे किसानों के खाते में मोदी ने 600 करोड़ रुपया भेजा है, 600 करोड़। इसलिए कहता हूं याद रखोगे, याद रखोगे, कितना कितना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।